दोस्तों इस वाटर हीटर पे पूरी तरह से देखिए नमक लग चुका है, बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो एक मिनट के अंदर अंदर अब हम इसको साफ़ करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, देख लेते हैं हम लोग। तो पहले आप इसको प्लग में लगा दीजिए, नीचे एक पानी की बाल्टी भर लीजिए और इसको लगा के ऑन कर दीजिए कुछ 30 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑन कर देता हूँ और ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर गर्म होने लगेगा। और जब तक आप लोग एक दूसरी बाल्टी तैयार कर लीजिए जिसमें पानी नहीं भरना है। और यहाँ पर इसको अब मैं बंद कर देता हूँ और इसको अब हम लोग लगाएंगे दूसरी बाल्टी में जो कि एकदम खाली होगी। और यहाँ पर देखिए लगा दिया इसको मैंने और इसको अब ऑन कर देते हैं। तो जब भी बिना पानी के इसको ऑन करो, ऐसे प्लास्टिक वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना अपनी, क्योंकि बटन वगैरह भी यहाँ पर गर्म होगा थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी खतरनाक होती है। और अगर कोई बच्चे ये वीडियो देख रहे तो भाई ये कुछ भी ट्राई मत करना घर पे खुद से। और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए इसको ऑन करना था और फिर से इसको बंद करना है और उठा के डाल देना है पानी वाली बाल्टी में कुछ इस तरह से। तो ये देखिए कितना इजीली यहाँ पर 70% तो निकल चुका है। अब हम इस सेम प्रोसेस को एक और बार रिपीट करेंगे और देखना फिर 80-90% ये क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे देखिए ये नमक पड़ा हुआ है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने फिर से प्रोसेस रिपीट किया, 30 सेकंड के लिए इसको हवा में गर्म किया और यहाँ पर देखिए ये 90% से ज़्यादा क्लीन हो चुका है, एकदम नए जैसा लग रहा है आगे से। तो और इसको अब हम लोग फिर से यूज़ करेंगे अगली सर्दियों में। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से बहुत ही ईजिली इसका नमक निकाल सकते हो, 1-2 मिनट का काम है। और वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। और ये जो नीचे नमक पड़ा है इसको कोई भी खाने पीने की चीज़ में डाल के यूज़ कभी भी मत कर लेना, इसको हमें फेंक देना है। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए गैजेट मसाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए। मेरा नाम है तरुण, जय श्री कृष्णा।